संसार सागर तो पार होवांगा। जे न्यू बर्बाद हो गया, न्यू ना रहा, न्यू विच फर्क आ गया, तो गल अगले जन्म ते जा पाए। निकी निकी गल पिछे जन्म पाए। बाबा जी आखदे सन, ध्रुव भी पिछले जन्म दा तपस्वी सी, बड़ा तपस्वी सी। आखिरले जदों दिन आए, कुछ खाने नूं नहीं मिलिया, पिया सी जिथे पिया रहा। यतन तो बड़ा कीता न्यू लावण दा, और लगा भी रहा न्यू, पर विच फुरना हो गया। बड़ी भुख लगी है, किते दाल दा घुट मिल जांदा। ते आवाज आई, ध्रुव मिल जाएगा। बस यही तो देखना सी, जिथे वृति लाई सी, जे लगी निब जांदी ते मुड़ के आउण दी लोड़ नहीं सी। मुड़ के जाना पेगा, यह दाल का फुरना लै जाएगा, क्योंकि रिखी सी। भावे दाल का फुरना किया, सुख राज दा मिलना सी, क्योंकि तपस्या जो वड्डी सी, फल तो तपस्या नू लगदे हन। ये ध्रुव फिर मुड़ के जमया, जदों ध्रुव बनिया, पंजा वरियां दा नाम जपन तुरिया, क्योंकि पिछली कमाई खड़ोती सी, उन्हें प्रेरिया जपन वास्ते। ते पता सी भी एक दाल का घुट मंगदे आ, मुड़ जन्म पिया। इस वास्ते राज भी राजे ने पेश किया, तो ध्रुव ने लिया नहीं। आखिया हुण हुण फुरना नहीं करना, हुण कुछ मंगना ही नहीं, हुण शरीर ला देना। साध सिंह बोलो श्री अपछरा आईया परमाया नहीं डोलिया। देवते सप शेर बन के आए, बुकदे फिरे, पुकारे मारते रहे, ध्रुव नहीं डरिया। इंद्र कंबिया, ये तो हुण मेरा राज गया के गया। इसकी तपस्या संपूर्ण हो गई, और इस अंदर मेरे राज की इच्छा आ गई, कि फिर मेरा राज इसका हो जाए। मैं गिर जावांगा, मैं की करा, भगवान विष्णु के पैरों से जा डटा। भगवान मेरी रखिया करो। क्यों इंद्र, किसी दुश्मन ने चढ़ाई की है? हाँ महाराज। कौन है वह? कहने लगे, एक बालक है पंजा वरिया का। पंजा वरिया का बालक तेरे उत्ते चढ़ाई करे? गल मनन वाली नहीं महाराज, दिव दृष्टि वाले हो, देख लो। ओ खड़ोता जी, भगवान ने देखिया ध्रुव खड़ोता है। किस प्यार नाल खड़ोता, किस दृढ़ता नाल खड़ोता है। बाबा जी आंदे सन, उतो निकलिया हाथी, इतों दृढ़ ने चा परपक्ष। जिन्ना चिर ए रतन नहीं आया पहले, ये नाम रतन पिछों आउंदा। ये सारे रतन पहला आण के हिरदे नूं शिंगारदे हन। जिमें जिमें हिरदा शिंगारी जाते हैं, ये उच्चे सुचे रतन, तिवें तिवें नाम की अंदर थां बनती जाती है। भगवान ने आखिया, इंद्र तू घबरा नहीं, ये तपस्वी तेरे राज की इच्छा न करेगा, क्योंकि इन्हें इच्छा करके अगे देख लिया। ये पिछले जन्म का तपस्वी एक दाल दे गुट की इच्छा की थी, मुड़ के जमे है, हूँ इच्छा कोई नहीं करेगा। हूँ इसकी एक ही इच्छा है, कि बस मेरी, मेरे दर्शन, मेरे दीदार दी, मैं ही जावांगा। इंद्र तू निशंक हो, इन्हें तेरा राज नहीं तकना।
भगवान आप आए, सन्मुख आन खड़ोते आवाज दीती, ध्रुव बेटा अखा खोल। सुनिया न सुनिया कीता, कई आवाजा आउंदियां रहिंदियां सी, साडे तां नाम जपदियां वी कन्न खड़ोते रहिंदे ने, किधरों कोई आवाज आउंदी होवे, पर जपण वाले कन्ना नूं बंद करके जपदे। सहवाग दिन कन्नी बुझे दे रहा कितनी वगे पावन, कन्ना नूं बंद करके रखा, तो बंद की खड़ोता सी कन्न, आवाज आई नहीं। दूजी वारी आखिया, ध्रुव बेटा मैं आ गई अखां खोल। एवें जरक जिनी पिणक पई जिवें कोई कुछ कह रहा हो। तीजी आवाज जदों फिर आई, ध्रुव मैं भगवान विष्णु जी का तू ध्यान करके खड़ोता है, तेरे सामने आया, तू दर्शन तो कर। ध्रुव ने उत्तर दिता, हौली जी मैं जानना भजन विच कई उपाधियां होंदियां ने, तू भी कोई उपाधि होवेगा ना, कोई उपाधि होवेगा। जपण वाले दे लक्षण हैं जिन्हां नूं भगवान सामने खड़ोता भी उपाधि पिया जापदा, क्योंकि मत किसे भुलेखे विच अखां खोल भावां ते अखां विच कोई होर आ जाए, क्योंकि जिसने आउणा है उसने बंद बूहे तां नहीं वेखणे। सत सिंह बोलो श्री, ये बूहे बंद उहनूं रोक नहीं सकदे, ये अखां बंद उहनूं बाहर नहीं खिलार सकदियां, वो हिरदे विच आ सकदा है। जिसने आना है हिरदे विच आ जाएगा। ध्रुव इस आस विच खड़ोता सी, जब हिरदे विच आएगा तो अखा खोलांगा। ये भगवान जान गए, ये बार दियां अखा नहीं खोलेगा जिन्हां चिर दे अंदरों जाके छाती ना पावा। अंदरों छाती पाई ते आखिया, ध्रुव बेटा मैं ही तेरे अगे खड़ोता, कोई होर नहीं, अखा खोल। ध्रुव ने अखा खोलिया, भगवान विष्णु जिहड़ी मूरत दा ध्यान धर रहा सा, वह मूरत नहीं सूरत बन के सामने खड़ी। ये सूरत मूरत आद अनूप, सूरत मूरत एक हो रही है। चरना से डटा चुप के गल नाल लाया, ध्रुव मंग बेटा की मंगन है। ये मुड़ खुंज गया, क्योंकि कोई इक्के जन्म च तां नहीं पुगदा। बाबा जी आखदे सन छीवा जन्म है, पुछो वालिया ने आके असी छे जन्म पाए हैं। इसे चीज दे पिछे जिहड़ी आ हुण दित्ती है, सत सिंह बोलो श्री, तुसी एक जन्म दे मंगते हो। अपने सेवकां नूं कहने लगे, तुसी आंदे हो नंद सिंह लै गया, क्यों लै गया, असी भी तां सेवा कीती है, लेकिन तुहानूं इह नहीं पता कि इहने कितने जन्म कीती है, कितने जन्मां दी तपस्या खड़ोती है, जिसने तुहाथों पहलां इहनूं रंग लाउणे हन। सत सिंह बोलो श्री वाह, ते रंग लग गए। उस तों बाद भी फिर किन्ना चिर भोरियां विच बीतिया, एकांत विच बीतिया, जंगलों में बीतिया, कोई ठाठ वाठ नहीं बनाया, कोई संगता नहीं जोड़िया, कोई राजे महाराजे चरणी नहीं लाए, गुट जो हो गए। एक चीज ही ऐसी है जिन्हों मिलती है उन्होंने बाकी सब कुछ भूल जाता। उन्होंने कमली का मुड़ सरफा किया ही नहीं, शरीर दे रखण का कोई यतन सोचा ही नहीं, जे लगता है तो भी शक पिया लगे। बाबा जी का शरीर कितने वेखो ना, पुरानी फोटो बाबा जी की पछाने नहीं जाते भी कौन है। तपस्या, एडिया तपस्या किस वास्ते कीतियां, सानू रस्ता दसने वास्ते, सानू परपक करने वास्ते, कि जो कुछ मैं कर करके अखी दिखा है, तुसी करके उन्हों अखी नहीं वेख सकते, तुसी वचना ते फुल चढ़ाओ। आखिया भी है ना, गुरु कह सो कार कमावो, गुर की करनी काहे दाव। आखिया किसी दे पेट दर्द होवे, हकीम खोल जाए कि मैनू दवाई, जिस वेले उन्हें दवाई दिती ते पुछदा इहदे विच कड़ी कड़ी शह है, उन्हें चीजा दस दित्तियां, आंदा मैं आप बना लांगा। हुण कदों चीजा लियावे, कदों बनावे, कदों खावे ते कदों पेट दर्द जावे, ये तां कोई वड्डा ही मूर्ख होवेगा जिहड़ा आखेगा मैं आप बना लवांगा। पहलां दवाई खा लै, राजी हो जा, पिछों आप भी बनंदा रहे। तो आखिया पहले महापुरखां कमाई वालियां दे परपकारियां दे बचना ते फुल चढ़ा और जप श्री वाह, अपने तजर्बे ना शुरू कर, तेरी तां जन्म ही उम्र ही तजर्बियां च लग जाएगी, बाकी है ही कितनी। बाबा जी आंदे सन, किसे नूं चिंगारी मिली, आखिया अग बाल लै, वो चिंगारी लै गया, उन्हें लकड़ियां जोड़ियां, फूके मारे, धुएं नाल अखां भर गई, हंजू आ गए, रोण पै गया, अजे अग बली में धुआं दुख रहा बेशक,
ਪਰਿਖ ਮਚਦੇ ਪਾਂਬੜ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਅੱਗ ਸੇਕ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਪਿਆ ਪੂੰਜਦਾ, ਜੇ ਪਾਲੇ ਵੀ ਪਿਆ ਮਰਦਾ, ਅੱਗ ਵੀ ਨੀ ਬਲੀ, ਚਿੰਗਾਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਬੜ ਮਚਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤ ਆਵੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਜਪਣ ਦਾ ਨਾ, ਔਰ ਜਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕ ਗੁਣ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ? ਪਰ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਤੋਤੇ ਨੇ ਕੰਜਰੀ ਤਾਰ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਤਾ ਅਪੈਰਾ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਰਸ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦਰਗਾਹ ਥਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸੰਗ ਜਪਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗਣਕਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਕੋ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪਰ ਸੂਆ ਗਣਕ ਉਧਾਰੇ। ਏਕ ਨਿਮਖ ਮਨ ਮਹਿ ਅਰਾਧੇ, ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਬੈ ਕੁਬ ਜਾ ਕੋ ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪਤਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੁਲਾਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਮਨ ਪਾਏ ਪਾਵਨੀ। ਉਸਨੇ ਪਾਵਨੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਾਲਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਛੀ ਮਾਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਬਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਏ, ਇਹਦੂ ਮਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਜਨਮ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਮੁੜ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਵਸਾਈਏ, ਮੁੜ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਮਨੁੱਖ ਜੋਨੀ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਣਗਿਣਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ।